पर दिन भयावह होती जा रही है। खासकर उत्तर भारत में नदियों का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण इलाका और शहरी इलाका हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं और इन सब के बीच कई तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जो काफी भावुक करने वाली है, क्योंकि जिन घरों के लोगों ने अपने पूरे जीवन की पूंजी लगाकर घर को बनाया था, अब उन्हीं घर के लोगों को अपने ही हाथों से तोड़ते भी वो नजर आ रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट। बिहार में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी सहित तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ने से पूरे बिहार में जल प्रलय जैसी स्थिति बन गई है। खासकर उत्तर बिहार का इलाका पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। पिछले कुछ दिनों से शेखपुरा, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर जिला भारी बाढ़ की संकट से जूझ रहा है। हालात इतने भयावह हो गए हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। ऊपर से कटाव के कारण कई घर नदी में समा चुके हैं। जो हो जाए सर, बाढ़ पीड़ित दीजिएगा आप लोग। यहाँ तो डूबने के बाद भी सर यहाँ बोलता है कि सुखाड़े बस्ती है पूरा। भागलपुर से तो ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें कटाव के डर से लोग अपने ही हाथों से अपने आशियाने को तोड़ते नजर आए, ताकि जो कुछ भी इस विनाशकारी बाढ़ से बचाया जा सके उसको बचा लिया जाए। तिनका तिनका जोड़कर बनाए अपने सपनों के घर को अपने ही हाथों तोड़ते हुए लोगों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। तस्वीरें काफी परेशान करने वाली है। यहाँ ने ठेकेदार है, ने कोई यहाँ पे नहीं। और कल देखते यहाँ कल नहीं आए, कल देखते ग्रामीण अपना अभी सब सोया हुआ, इतना खटा सब सोया हुआ। रात में यहाँ से 12-1 बजे गए हम लोग यहाँ से। लेकिन जो काम होना चाहिए काम हो काम क्या तो कुछ काम नहीं हुआ। काम हम लोग किए हैं, हम लोग काम किए, ग्रामीण मिल के काम किया है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। भागलपुर के नौगछिया में सुलुईस गेट बाढ़ के पानी के दबाव में टूट गया। घटना राघोपुर ब्रह्मस्थान की है। गेट टूटने के बाद नौगछिया के कई गांव में पानी घुस चुका है। सुलुईस गेट पर चदरे और बालू के बोरे डाले गए थे, लेकिन पानी का रिसाव लगातार जारी है। लोगों में दहशत का माहौल है। प्रशासन तो बचाव में लगा हुआ है, ग्रामीण भी खुद से ही बोरे डाल रहे हैं। अभी हम हैं नौगछिया के महादेवपुर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही सुलुईस गेट जो है जो ध्वस्त हो गया था, और उसके बाद यहाँ पर फ्लड पाइपिंग के तहत जो है बोरा और चदरा जो है आप देख सकते हैं कि डाला गया है, किसी तरह से पानी को रोका जा सके। भागलपुर का ग्रामीण इलाका तो बाढ़ से प्रभावित है ही, लेकिन अब शहर में भी बाढ़ का पानी तेजी से घुस रहा है। यहाँ भी स्थिति दिन पर दिन भयावह होती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि लोग अपने अपने घर खाली कर सुरक्षित जगह पर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं, तो वहीं शहर के रिहायशी इलाकों में भी अब गंगा का पानी भर गया है। ऐसे में जो लोग हैं वो अपने घर को खाली कर अब उसी जगह पर जा रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के घरों में पानी भर आया है और लोग जो है अपने घर को खाली करने में लगे हुए हैं। शहर का ये रिहायशी इलाका है, मानिक सरकार यह मोहल्ला है, और मोहल्ले में पूरी तरह से पानी भर आया है, जलमग्न हो गया है। घुटने भर से ज्यादा पानी में लोग मोहल्ले में आना जाना कर रहे हैं। लगातार स्थिति जो है वो अब भयावह होती जा रही है। शहर के जो निचले इलाके हैं वो कई तरह पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें मुंगेर से भी सामने आए, जहां बाढ़ का दंश झेल रहे बाढ़ पीड़ितों का दर्द अब झलकने लगा है। गांव, घर, खेत, खलिहान सब कुछ पानी में डूब चुका है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। न रहने का ठिकाना, न खाने का कोई इंतजाम। बाढ़ पीड़ित किसी तरह से सड़क पर अपना आशियाना बनाए हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने उनके रहने और खाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। में पूरा पानी व्यवस्था नहीं, खा के उपाय छे नहीं, करे के उपाय छे नहीं, जारन के व्यवस्था छे की हमें करबे वही पानी में। कहां से निकल के कहां पे छो? यखनी सड़क पर छे गांव सिकली का। गांव से निकल से कुछो? हां कुछो जल के कोई खाई हुई? कोई ना एक गो कोई नहीं ले देख सुन करल, तब ना हम सब एना कर लिए। हमरा आर का कोई व्यवस्था नहीं, चौर में इतना पानी भर छाती
केना ऊपर डुबकी काबै छी। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि वो लगातार लोगों की बुनियादी सुविधाएं का खास ख्याल रख रहे हैं, लोगों के रहने और खाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है। पांचों अंचल में जो प्रभावित आबादी है तो उनके निष्क्रमण के लिए नौका की व्यवस्था की गई है, साथ ही पॉलिथीन सीट्स का वितरण सभी प्रभावित जगहों पर अंचल अधिकारियों के माध्यम से कराया जा रहा है। इसके अलावा जो है जो पशु हैं उनके लिए चारा की व्यवस्था कराई जा रही है और जो लोग हैं उनको हम लोग गाय राशन की व्यवस्था दे रहे हैं। उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ की यही स्थिति रहती है, लोगों के घर खेत खलियान सब कुछ डूब जाते हैं, दर्जनों लोगों की जान चली जाती है, सैकड़ों पशुओं को अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन दावों और वादों की राजनीति के बीच बिहार की स्थिति में कभी बदलाव नहीं आता। लोग इसी तरह से बेबस होकर कभी सड़कों पर शरण लेते हैं तो कभी सरकारी खाने की आस में टकटकी लगाए हुए बच्चे और बुजुर्ग इस आस में रहते हैं कि खाना आएगा तो पेट की आग बुझेगी। न्यूज 18 बिहार झारखंड के लिए भागलपुर से आशीष रंजन और विकास कुमार सिंह, मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। झारखंड